हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएक्सएन लिंगजी कॉफी के बारे में। ये लिंगजी कॉफी 3-in-1 है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और क्या सचमुच इसे पीने से वेट लॉस होता है या नहीं और इसे कैसे बनाया जाता है, तो ये सारे टॉपिक्स आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज जरूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड तक बने रहें ताकि वीडियो में सारे टॉपिक्स हमने कवर करे हैं। तो अगर आप सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है डीएक्सएन की लिंगजी कॉफी 3-in-1। ये 3-in-1 है और वैसे 2-in-1 भी आती है। प्रीमिक्स कॉफी विद गेनोडर्मा एक्सट्रैक्ट और ये पूरा पाउच है मेरे पास। नेट वेट इसका होता है 500 ग्राम्स, आधा किलो का ये पाउच है, बड़ा पैक है। और इसके अंदर यहाँ देखिए लिखा हुआ है 25 पैक्स इंटू 20 ग्राम, यानी 20-20 ग्राम के 25 पैक इसमें निकलते हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, ये मैंने पहले ही ओपन कर रखा है क्योंकि मैं इसे यूज कर रही हूँ डेली। तो ये इस तरह के पाउचेस इसमें निकलते हैं और ऐसे ही एक पाउच का जो वेट है वो है 20 ग्राम और ऐसे 25 यानी 25 पाउचेस इसमें निकलते हैं। तो ये रहा पैक, इसके अंदर और भी काफी सारे पाउचेस हैं। आ जाते हैं हम इसकी बैक साइड पे, पहले हम इसकी प्राइसिंग देख लेते हैं। एमआरपी इस पे दे रखा है 835 रुपीज और यहाँ पे देखिए लिखा है टू बी सोल्ड ओनली बाय डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर। ये आपको सिर्फ डीएक्सएन के डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास ही मिलेगी, बाकी कहीं ये सेल नहीं होती है किसी भी शॉप पर। और 835 एमआरपी है, बाकी डीएक्सएन वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर है आपको किस परसेंट के हिसाब से लेस करते हैं। आई थिंक हमें जो मिला था वो 750 रुपीज का मिला था। तो अब आ जाते हैं इसके यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पे कि ये क्या दे रखा है। डीएक्सएन लिंगजी कॉफी 3-in-1 इज अ मिक्सचर ऑफ कॉफी पाउडर एंड गेनोडर्मा मशरूम। गेनोडर्मा जो होता है वो एक मशरूम होता है। कॉफी पाउडर और मशरूम का ये मिक्सचर है लिंगजी। पोर लिंगजी कॉफी पाउडर इन अ कप, एड हॉट वाटर एंड स्टिर वेल टू एंजॉय द ओरिजिनल टेस्ट ऑफ डीएक्सएन लिंगजी कॉफी। अब इसमें जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं वो ये दे रखा है कि ये एक जो पाउच है वो हमें एक गर्म पानी में जितना हम पी सकते हैं उतना तेज गर्म पानी हमें लेना है और इस एक पाउच को उस पूरे कप में पोर कर देना है और हिलाना है उसे। इसमें कुछ भी हमें ऐड नहीं करना है, चीनी या शक्कर वगैरह। बट जो लोग बताते हैं वो ये कहते हैं कि आप अगर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना चाहते हैं, अगर आपसे नहीं पी जा रही है तो आप ऐड कर सकते हैं थोड़ी बहुत शक्कर ऐड करें, गुड़ की जो शक्कर आती है तो ज्यादा बेटर है। बट ये जो 20 ग्राम का पाउच है, मैं तो इसे पूरा पैक नहीं ले पाती हूँ और मैं इसे बनाती हूँ, किस तरीके से बनाती हूँ वो मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी कि मैं कितना लेती हूँ एक बार में, कितनी क्वांटिटी लेती हूँ। और इसे मैं दिन में दो बार कंज्यूम करती हूँ, इससे ज्यादा नहीं लेती हूँ। हाँ, ये जरूर है कि अगर इस कॉफी के बेनिफिट्स क्या है कि जैसे अगर आपको पेट में बहुत ज्यादा अफरापन लग रहा है, भारी हो रहा है, कुछ हैवी खा लिया है, तो अगर आप जब ये कॉफी पीते हैं तो वो अफरापन एकदम गायब हो जाता है। सिर में दर्द हो रहा हो तो भी गायब हो जाता है। कहते हैं माइग्रेन के लिए भी ये एक बहुत अच्छी कॉफी है। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अगर आप गूगल करके देखेंगे तो। बट ये है कि मैंने जब भी ये पिया है तो मुझे इसे पी के काफी अच्छा लगता है, काफी हल्कापन फील होता है। वेट लॉस तो देखिए, अगर हम कहें कि इस कॉफी से वेट लॉस हो जाएगा तो देखिए, कुछ भी चीज हम वेट लॉस के लिए पियेंगे तो बिना कैलोरीज को रिड्यूस करे वेट लॉस तो नहीं होगा। साथ में आपको कैलोरीज रिड्यूस करनी पड़ेंगी, चीनी, मैदा, चावल और भी जो भारी चीजें होती है हम खाते हैं, फास्ट फूड, तो ये सब आपको जरूर छोड़ना पड़ेगा।
और साथ में एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना होगा, तभी वेट लॉस होगा। सिर्फ अगर हम कहें कि हम लिंगजी कॉफी पीते रहेंगे और वेट लॉस हो जाएगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब मैं इसको बना के आपको दिखाती हूँ कि ये पाउच कैसे बनता है। तो ये मैंने मग ले लिया है। अब ये मग में मैंने ये हॉट वाटर पोर किया है। थोड़ा सा ये गर्म ज्यादा हो गया है, लेकिन जितना आप इसे पी सकें, चाहे तो इसे थोड़ा सा डाइल्यूट करते हैं। चलिए हम थोड़ा डाइल्यूट कर लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब ये मैंने स्पून लिया है और ये मैंने पैकेट से स्पून में डालूंगी, और ये वन स्पून ओनली, एक बार में एक चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कभी भी इसमें शक्कर या चीनी नहीं ऐड करती हूँ और ऐसे ही इसे सिंपल ले लेती हूँ। आपको इसे खाली पेट नहीं लेना है। मॉर्निंग में आप जैसे आपने ब्रेकफास्ट किया है उसके आधे से एक घंटे बाद ले सकते हैं, आधा या एक घंटे बाद इसे ले सकते हैं, और लंच के बाद भी आप ले सकते हैं आधा एक घंटे बाद। और रात को मैं तो प्रेफर करूंगी कि सोते समय बिल्कुल ना लें कॉफी, क्योंकि कॉफी का एक्सट्रैक्ट इसमें है ही। तो जैसे कई लोगों को होता है कि चाय या कॉफी रात को सोते समय अगर हम पी लेते हैं तो हमारी नींद उड़ जाती है, तो अगर ऐसी कोई आपको प्रॉब्लम है तो फिर रात को इसे अवॉइड करें। आप इसे ब्रेकफास्ट के बाद और लंच के बाद ही लें। शाम को 5 बजे से पहले आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं और उसके बाद ना करें। बाकी यही मेरे इसी तरीके से मैं भी इसे यूज करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें मेरी वीडियो को और शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।